हे दोस्त, अगर तुम भी एक फैशन मॉडल बनना चाहते हो तो तुमको ये चीज़ ज़रूर पता होगी कि फैशन मॉडलिंग का करियर स्टार्ट करने से पहले मॉडलिंग पोर्टफोलियो कितना ज़्यादा ज़रूरी होता है। मेरे इंस्टाग्राम पे और यूट्यूब के कमेंट सेक्शन में बहुत सारे लोगों ने क्वेश्चन पूछे हैं कि भाई मॉडलिंग पोर्टफोलियो क्या होता है और इसकी जो भी डिटेल्स हैं वो सारी क्लियर करो। तो आज इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि फैशन मॉडलिंग के करियर में मॉडलिंग पोर्टफोलियो इतना इंपॉर्टेंट क्यों होता है और ये एक्चुअल में होता क्या है, मॉडलिंग पोर्टफोलियो कहते किस चीज़ को हैं, और अगर आप इसको बनवाने जा रहे हो तो खर्चा कितना लगेगा। क्योंकि आए दिन ये देखा जा रहा है कि लोगों से जो भी बिगनर्स मॉडल्स हैं जो स्टार्ट करें अपना करियर, उनसे मॉडलिंग पोर्टफोलियो बनवाने के लिए 40 से 50,000 रुपये तक चार्ज किए जा रहे हैं, जो उनको एकदम बिल्कुल फ्रॉड किया जा रहा है उनके साथ। उसके बाद मैं आपको इस वीडियो में भी बताने वाला हूँ कि अगर आप अपना मॉडलिंग पोर्टफोलियो बनवाने वाले हैं तो उसके लिए आपको क्या क्या प्रिपरेशन करनी है और व्हाट इज़ द बेस्ट टाइम टू गेट योर मॉडलिंग पोर्टफोलियो डन। बने रहिए इस वीडियो के साथ, लेट्स कम ऑन द पॉइंट। मॉडलिंग पोर्टफोलियो होता क्या है? दोस्त, मॉडलिंग पोर्टफोलियो कुछ भी नहीं है, ये बस आपकी पिक्चर्स का सेट है। 6 पिक्चर्स, 9 पिक्चर्स या कहीं कहीं पे उससे थोड़ी ज़्यादा 8 या 10 पिक्चर्स भी होती हैं, अलग अलग पोज में, अलग अलग स्टाइल में, अलग अलग ड्रेसेस में। जैसे कि किसी किसी में आपका केवल फेस आएगा या किसी किसी में आपका फुल पोज आएगा, जिससे आपके बारे में एक लुकआउट पता चल पाए कि आप कैसे एक्चुअल में दिखते हो, आप कैमरे के सामने कैसे लगते हो। जैसे आप ये वीडियोस पे देख रहे होंगे, ये एक मॉडलिंग पोर्टफोलियो का एग्जांपल है। जैसे आप ये मेरा मॉडलिंग पोर्टफोलियो देख रहे हो, एक पीडीएफ फॉर्म में मैंने इसको एक कन्वर्ट करा रखा है, तो ये एक मॉडलिंग पोर्टफोलियो है। अब कई बार ये होता है कि फोटोग्राफर्स आपका मॉडलिंग पोर्टफोलियो शूट करते हैं और आपको सॉफ्ट कॉपी मतलब पेन ड्राइव में या मेल पे तो आपको फोटो शेयर करते ही हैं, इसके साथ में आपको प्रिंटेड कॉपीज़ भी देते हैं। बट आजकल उन्हें प्रिंटेड कॉपीज़ का इतना ज़्यादा वैल्यू नहीं है, क्योंकि जब भी आप ऑडिशन देने जाते हो, जब भी आप किसी से अप्रोच करते हो, तो अपनी सॉफ्ट कॉपी में व्हाट्सएप पे या ईमेल पे अपनी कॉपीज़ फॉरवर्ड करते हो। तो ये हो गया मॉडलिंग पोर्टफोलियो। बात करते हैं कि ये इतना इंपॉर्टेंट क्यों है। देखो, एक सिंपल सा एग्जांपल समझो। जैसे हम भी किसी भी बड़े शोरूम में या फिर किसी ब्रांड के शोरूम में जाते हैं कुछ खरीदने हैं, लाइक हम कुछ कपड़े खरीदेंगे, तो हमें वहाँ पे देखने को मिलता है कि कई सारी डमीज़ हैं जिसमें डिफरेंट डिफरेंट तरीके के कपड़े पहनाए हुए हैं, क्योंकि उन कपड़ों को शोकेस करने का वही एक तरीका है। तो मॉडलिंग पोर्टफोलियो आपको शोकेस करने का तरीका है। जहाँ पर भी आप काम मांगने जाते हो किसी से कि भाई मुझे काम चाहिए, तो अपनी मॉडलिंग पोर्टफोलियो आप उनको भेजते हो, जिससे पता चलता है कि आप कैमरे के सामने एक्चुअल में कैसे दिखते हो। थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है, क्योंकि आप जब कैमरे के सामने होते हो तो लाइटिंग्स होती हैं, एडिट्स होते हैं, बट मेजरली आपका लुक कैमरे के सामने कैसा है ये डिसाइड होता है, और दैट इज़ द मेन थिंग। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि हम फेस टू फेस कोऑर्डिनेटर से नहीं मिल पाते हैं, हमें व्हाट्सएप या ईमेल पे अपनी प्रोफाइल शेयर करनी होती है, जिसमें मॉडलिंग पोर्टफोलियो भी होता है। तो मिलेंगे तो आप बाद में, बट जो पहला इंप्रेशन पड़ेगा आपके मॉडलिंग कोऑर्डिनेटर के ऊपर, जो आपको काम दिलाएगा, वो पड़ेगा आपके पोर्टफोलियो से। इसलिए मैं हमेशा बोलता हूँ कि एक अच्छा सा पोर्टफोलियो बनवाओ और अप्लाई करो मॉडलिंग के लिए। थर्ड थिंग दोस्तों, जो बहुत ज़्यादा लोग पूछ रहे थे और जिसमें लोगों को बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन है, वो है कि खर्चा कितना आएगा। देखो, मैं तुम्हें एक सिंपल सी बात बताता हूँ। कोई भी फोटोग्राफर तुम पकड़ लो जिसके पास अच्छे कैमरे हों, अच्छा उसके पास एक्सपीरियंस हो, और फैशन फोटोग्राफी का उसके पास एक्सपीरियंस हो, जिसने मॉडल्स की पिक्चर्स क्लिक की हों, उससे तुम अपना मॉडलिंग पोर्टफोलियो करवा लो। अब इसके लिए 5,000-6,000 रुपये से स्टार्टिंग होती है। कई सारे फोटोग्राफर जो 5,000 में अच्छा पोर्टफोलियो बना के दे रहे हैं, अच्छी क्वालिटी दे रहे हैं, और उसके बाद 10-15,000 में भी एक अच्छा पोर्टफोलियो आपको मिल जाएगा। तो अब ये डिपेंड करता है आपकी पॉकेट पे कि आप कितना पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं। और वही अगर आप बहुत हाई एंड्स के फोटोग्राफर के पास जाओगे, जैसे प्रवीण भट्ट सर हो गए, कई सारे और फोटोग्राफर्स हैं, तो वो आपसे 1-1.5 लाख रुपए भी चार्ज करते हैं, बट वो पोर्टफोलियो काम वही करेगा जो 5-10,000 वाला करेगा, वही 1-1.5 लाख वाला भी काम करेगा। क्योंकि द मेन थिंग इज़ यू। अगर आप दिखने में अच्छे हैं तभी आपका पोर्टफोलियो अच्छा आएगा। अगर आपके अंदर वो टैलेंट है, अगर आपके अंदर पोजिंग स्किल्स हैं, तभी आपका पोर्टफोलियो अच्छा आएगा। तो वो काम 5-10,000 वाला फोटोग्राफर भी कर सकता है, अगर उसके पास अच्छे लेंस, अच्छे कैमरे हैं। तो लोग मुझे पूछ रहे थे कि भैया 40,000-45,000 रुपये आस्क कर रहे हैं पोर्टफोलियो के लिए। तो यार, मैं तो बिल्कुल मना करूँगा कि इतने पैसे स्टार्टिंग में मत इन्वेस्ट करो। अगर तुमने कुछ शोज़ से अर्न किए हैं, कुछ आपकी धीरे धीरे अर्निंग हो गई, तो लेटर ऑन जब भी आप पोर्टफोलियो नेक्स्ट अपना करवाओ तो आप इतने पैसे इन्वेस्ट कर सकते हो। बट स्टार्टिंग के लिए 5,000 रुपये मिनिमम आप इन्वेस्ट कर सकते हो, या 10-15,000 भी इन्वेस्ट कर सकते हो, बट उससे ज़्यादा आपको बिल्कुल इन्वेस्ट नहीं करना है एज एन बिगनर। दोस्तों, जो हमारा फोर्थ पॉइंट है वो ये है कि क्या क्या तैयारी करनी चाहिए और What is the best time to get your portfolio shoot done? अब देखो, ये जो पोर्टफोलियो होता है ये रोज़ रोज़ नहीं होता है। अब अगर आपको लगता है कि आपकी फिजिक एक अच्छी फिजिक एक शेप में आ गई, एक डेफिनेशन में आ गई है, ठीक है, आपके अंदर ना ज़्यादा फैट है और ना ही ज़्यादा आप स्किनी हो,
आपने एक यूनिक लुक डिसाइड कर रखा है कि हाँ आने वाले 3 से 4 महीने में मैं इसी तरीके का लुक रखूंगा। सपोज दैट कि अभी मेरे बियर्ड थोड़ी सी छोटी है, हेयर थोड़े से बड़े हैं, तो अगर मैं इस बात पे कंफर्म हूँ कि आगे आने वाले 4 से 5 महीनों में मेरा यही लुक रहने वाला है या थोड़ा बहुत चेंज हो जाएगा बट मेजरली मेरा यही लुक रहेगा बियर्ड और हेयर वाला, तो मैं इस वक्त पोर्टफोलियो करा लेता हूँ। तो सबसे पहले अपना आप लुक डिसाइड करिए, अपनी फिजिक पे थोड़ा काम करिए, और जब भी आपको लगता है कि अब आप रेडी हो गए हैं, अब एकदम आप परफेक्ट एकदम चिजल्ड हो गए हैं, तो अपना शूट करा सकते हैं। शूट से 1-2 हफ्ते पहले आपको ये करना है कि अच्छी नींद लेनी है, ठीक है। फेस पे या बॉडी पे जो भी आपका वर्क करना है वो करना है। अगर फेस थोड़ा डल है तो आप फेस पैक डिफरेंट टाइप्स का ट्राई कर सकते हो, स्क्रब कर सकते हो, मतलब एक केयरिंग करनी है, क्योंकि शूट डे आपका जो होता है वो बहुत इंपॉर्टेंट डे होता है। उससे पहले आपको कुछ पोजेस लर्न करने चाहिए, बहुत सारे आपको गूगल पे मिल जाएंगे, और हर पोज हर बंदे के ऊपर सूट नहीं करता है। तो आपको क्या करना है, आपको ये चूज़ करना है कि कौन सा पोज आपके ऊपर सबसे ज़्यादा अच्छा लगेगा। आप नॉर्मल कैमरे से क्लिक करके देख सकते हो, जो पोज आपको अच्छा लगे वो पोज आप डिसाइड कर लो, और आप एकदम रेडी टू गो हो पोर्टफोलियो शूट के लिए। तो दोस्त ये एक छोटी सी वीडियो थी पोर्टफोलियो शूट के लिए, कैसे कराना है, कब कराना है और खर्चा वगैरह कितना है। अगर आपके मन में अभी भी कोई डाउट है तो आप मेरे इंस्टाग्राम हैंडल पे मैसेज कर सकते हो, कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हो, मैं बिल्कुल सबको रिप्लाई करता हूँ। थोड़ा टाइम भले लग जाता है बट रिप्लाई सबको कर रहा हूँ। और यार ये ज़रूर बताना कि आपको और क्या क्या प्रॉब्लम फेस हो रही है अपनी मॉडलिंग करियर स्टार्ट करने में, क्योंकि जल्द ही मैं ये मॉडलिंग वाली जो वीडियोज़ है ये लाना बंद कर दूंगा, क्योंकि मैंने बहुत सारी वीडियोज़ बनाई है और ऑलमोस्ट सारे मेजर टॉपिक्स कवर कर लिए हैं। इस वीडियो के बाद भी 6-7 वीडियोज़ और रेडी हैं मॉडलिंग के ऊपर, उसके बाद मॉडलिंग का सारा चैप्टर क्लोज हो जाएगा। आई डोंट थिंक आपको कोई प्रॉब्लम आने वाली है, बट स्टिल कोई प्रॉब्लम हो तो मैसेज करिए मेरे इंस्टाग्राम हैंडल पर। चलो फिर मिलते हैं एक नए वीडियो पे एक नए टॉपिक से, तब तक स्टे ब्लेस्ड, स्टे मोटिवेटेड एंड कीप हसलिंग गाइज़।